हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिंह राठी आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ हीट, कि हीट कितने प्रकार की है। लेसन नंबर 4 है हमारा। पिछले लेसन नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि हीट क्या है, तो हमने पता चला था कि हीट एक एनर्जी है जो हमें कार्य करने की या किसी भी चीज को कार्य करने की ताकत प्रदान करता है। जैसे सूरज है, वो हमारी पृथ्वी को हीट देता है, उससे यहाँ एनर्जी मिलती है। और जैसे हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है जो हमें काम करने की ताकत देती है। और इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि हीट एक एनर्जी है, उस एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी के अंदर यानी के मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज किया जा सकता है, जिससे किसी मशीनरी को हम चला सकते हैं। ये काम हम इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं। तो आज उसी हीट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हीट, कि ये हीट कितने प्रकार की है। तो हीट हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो लेटेंट हीट होती है और एक सेंसिबल हीट होती है। लेटेंट हीट को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा और सेंसिबल हीट को कहते हैं संवेदी ऊष्मा, जिसको महसूस किया जा सकता है। तो हमारा पहला है टॉपिक के लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट भी दो प्रकार की होती है, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सेकंड होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि जो पदार्थ जो गलता है, मेल्ट होता है, उसके लिए है। और वेपराइजेशन है कि भाप जो बन जाती है, जिसकी स्टीम बन जाती है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब है कि जो ऊष्मा हमें दिखाई नहीं देती, और ये किसी पदार्थ की, अगर ये लेटेंट हीट कोई पदार्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो ये उसकी अवस्था को चेंज कर देती है, उसकी स्टेट को चेंज कर देती है, ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो स्टेट जब चेंज होती है, तो वो दो टाइप से चेंज होती है। एक तो ये है जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, कि गुप्त ऊष्मा। मान लो जैसे हमारे पास ये एक बर्फ का टुकड़ा है, मान लो हमारे पास ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अभी जब ये पिघलेगा, इसका पानी बन जाएगा, जब ये लिक्विड में आ जाएगा, अभी क्या है, ये सॉलिड में है, यानी कि ठोस है। इस टाइम बर्फ क्या है, ये हमारी ठोस में है। और अब देखिए धीरे धीरे ये मेल्ट भी हो रही है, तो ये कुछ देर के बाद कुछ हीट एब्जॉर्ब अपने अंदर करके और लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पानी की उसमें आ जाएगी फॉर्म में ये, ठीक है। तो ये सॉलिड से लिक्विड में जो पिघल रही है, जो सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए जो ऊष्मा अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर रही है, वो लेटेंट हीट कहलाती है। लेकिन इस बर्फ का भी 0 डिग्री टेम्परेचर है, 32 डिग्री फारेनहाइट, और वैसे ही जो इसका मेल्ट होने के बाद पानी का टेम्परेचर होगा, वो भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इस अवस्था में क्या है, सॉलिड से लिक्विड में तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इसका टेम्परेचर वही रहेगा, तापमान वही रहेगा। लेकिन एक अवस्था कैसी परिवर्तित होगी, कि इसने अपने अंदर हीट लेके, जो लेटेंट हीट कहलाती है, वो हीट लेके अपना स्टेट चेंज कर लिया, कि सॉलिड से लिक्विड में आ गई सेम टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर कोई नहीं बदलेगा इसमें, 0 डिग्री अगर बर्फ का है तो 0 डिग्री ही वाटर का रहेगा इसका, लिक्विड का। लेकिन ये चेंज हो जाएगी सॉलिड से लिक्विड के अंदर। जब एक ग्राम बर्फ सॉलिड से लिक्विड में जाती है, पानी में चेंज होती है, तो वो 80 कैलोरी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो एक तो ये हो गया हमारा लेटेंट हीट का, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, कि गलन की गुप्त ऊष्मा।
और इसमें स्टेट चेंज हो गई है, यानी कि जो पदार्थ था इसने अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया और लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है लेटेंट हीट। और दूसरी हीट हमारी इसी के अंदर लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि भाप की गुप्त ऊष्मा। तो वेपोराइजेशन का मतलब ही क्या है, भाप बनना, ठीक है, वेपर्स बनना, उसको लिक्विड का वेपर्स फॉर्म में चेंज आना। तो हम इसको कैसे देखते हैं, पानी का जो टेम्परेचर होता है, पानी का पहले दिन मैंने बताया था कि पानी का टेम्परेचर क्या होता है, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। पानी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री कह रहे हो या 32 डिग्री फारेनहाइट कह रहे हो उसको, तो फ्रीज होना, बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी। और इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल, ये इसका 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री पे उबलना शुरू हो जाता है जब हम इसको गर्म करते हैं। तो 100 डिग्री पे जब ये उबलता है, 100 डिग्री पे उबलने के बाद क्या होता है, ये इससे ऊपर इसका पॉइंट नहीं जाएगा, जो टेम्परेचर है वो इससे ऊपर रेज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अब जैसे हमने पानी को गर्म करना शुरू किया, ये हमने किसी पॉट के अंदर पानी को ले लिया और नीचे से हमने क्या किया, इसमें हीट देनी स्टार्ट की। अब ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे अपने पहुंच जाएगा 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा। अब चाहे हम इसके अंदर कितनी भी हीट दें, कितनी भी हीट देते हैं, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब इसको वेपर्स फॉर्म में, यानी कि भाप में बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए टेम्परेचर क्या होगा, अब टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन फिर भी वेपर्स में चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, ये वेपर्स में तब चेंज होगा जब इसमें कुछ मात्रा लेटेंट हीट की ऐड हो जाएगी, जब कुछ मात्रा लेटेंट हीट की ऐड हो जाएगी, वो कितनी, ये इससे ऊपर जब होगा तो 536 कैलोरी इसमें लेटेंट हीट ऐड हो जाएगी, तो ये भाप बननी शुरू हो जाएगी। अब देखिए पहले तो क्या था, बर्फ से लिक्विड में चेंज हुआ, वो थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर। लेकिन जब लिक्विड वेपर स्टेट के अंदर जाता है तब क्या होगा कि वहां भी उसका 100 डिग्री अगर पानी का टेम्परेचर, तो 100 ही रहेगा और ये भाप में बन जाएगा, कितनी, 536 कैलोरीज लेके लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं हम इसको, कि ये भाप बनना यहाँ पे शुरू हो गया। अगर टेम्परेचर हम इसका देखेंगे 100 डिग्री से ऊपर पानी का टेम्परेचर नहीं जाएगा, वो उस पर बॉयल होता रहेगा और कुछ अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट का इसके अंदर एड हो जाएगा, तो क्या होगा, ये भाप बननी शुरू हो जाएगी। अब दोनों में पहले तो क्या था, एक बर्फ थी, आइस क्यूब था, या आइस क्यूब था, इसने अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया, 0 डिग्री सेल्सियस था इसका टेम्परेचर, कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, और ये पानी में बदल गया, तो उस पानी का टेम्परेचर भी क्या रहा, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्टेट क्या है, चेंज होगी इसकी, ये था सॉलिड, पहले ये बर्फ का टुकड़ा था, सॉलिड में था और लेटेंट हीट का अमाउंट लेके और क्या बन गया, इसमें पानी बन गया, लेटेंट हीट कितनी ली इसने, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम हीट, 1 ग्राम अगर पानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, तो 80 कैलोरी लेके सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा,
इसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन इसका टेम्परेचर वही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही फिर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में है कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ये इतने पे ही उबलेगा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर क्या है, ये वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा, लेटेंट हीट लेकर वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा और भाप बन जाएगा। तो इन दोनों अवस्थाओं में तुमने देखा है कि यहां पे कोई अगर पदार्थ था तो उसने लेटेंट हीट को लेके और अपनी स्टेट चेंज कर ली, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर्स के अंदर। तो जो ये पोजीशन आती है वो लेटेंट हीट के कारण होती है। लेटेंट हीट में अवस्था परिवर्तन होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो लेटेंट हीट के दो चीजें हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये लिक्विड से वेपर्स में चेंज होने के लिए है। तो ये था हमारा लेटेंट हीट। अब इसके बाद आता है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट से आप समझ रहे हो कि सेंस करना, यानी कि कोई चीज छूकर हम ये पता चल सके ये ठंडा है या गर्म है, वो कहता है सेंस ऑफ टच। तो सेंसिबल हीट को हम हिंदी में कहेंगे कि संवेदी ऊष्मा। सेंसिबल हीट के अंदर क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ के अंदर टेम्परेचर देते हैं तो उसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन यानी कि स्टेट चेंज नहीं होती, ओनली टेम्परेचर चेंज होता है उसका। तो मेन इसके अंदर यही है कि इसके लेटेंट हीट के अंदर तो क्या होता है, अवस्था परिवर्तन हो जाती है, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर के सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जिसमें लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो गया। लेकिन सेंसिबल हीट के अंदर ये काम नहीं होता, उसमें अगर कहीं हम हीट देते हैं तो उसके अंदर सिर्फ टेम्परेचर में चेंज होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन नहीं होती। तो ये सेंस ऑफ टच हम इसको कहते हैं कि हम छूकर किसी पदार्थ को छूकर हम बता सकते हैं कि ये गर्म है, ठीक है, इसको देखकर नहीं बता सकते, जैसे कि लेटेंट हीट को भी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन सेंसिबल हीट के अंदर क्या है, हम किसी पदार्थ को सिर्फ छूकर ये बता सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, इसको सेंस ऑफ टच कहते हैं। ये हमारे उंगलियों के अंदर सेंसर है जो वो किसी चीज को टच करते हैं, बताते हैं कि ठंडा है या गर्म है। इन दोनों के अलावा एक चीज और है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अर्थ है कि कोई भी अगर सॉलिड चीज, कोई भी सॉलिड चीज डायरेक्टली गैस फॉर्म में चली जाएगी बगैर लिक्विड में चेंज हुए, जैसे बर्फ पहले लिक्विड में आई थी और फिर गर्म करने के बाद पानी को गर्म किया तो वो वेपर्स फॉर्म में आ गया। तो सब्लिमेशन के अंदर ये नहीं होता, कोई अगर सॉलिड चीज है तो वो सीधी गैस फॉर्म में आ जाएगी, उस अवस्था को, परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो आपने इसके उदाहरण मैं बताता हूं, मॉथ बॉल्स, कपूर की गोलियां, घरों में हम कपड़ों के अंदर कपूर की गोलियां रखते हैं, वो क्या होता है, सीधी गोली होती है ना छोटी छोटी सी, वो सीधी कपड़ों में कीड़ों से बचाने के लिए रखते हैं, और एक टाइम ऐसा होता है कि वो गोलियां गायब हो जाती हैं सीधी गैस फॉर्म के अंदर, आपने देखा होगा घरों में, उदाहरण हम कपड़ों के अंदर रखते हैं जब कपड़े लंबे टाइम तक स्टोर करने हो, या ड्राई आइस होती है जिसको हम CO2 कहते हैं, सिलेंडरों के अंदर ड्राई आइस होती है, वो जब एकदम से बाहर निकलती है तो लिक्विड में नहीं आती, सीधा गैसियस फॉर्म के अंदर चली जाती है। उसके बाद है एयर फ्रेशनर्स। एयर फ्रेशनर आपने बाथरूम में, टॉयलेट्स में देखे होंगे, जैसे ओडोनिल या इस टाइप के हम लेके आते हैं एक डब्बी सी, उसको हम बाथरूम में कहीं पर लटका देते हैं और वहां की वातावरण की जो एयर है उसमें फ्रेशनेस का मतलब है एक सुगंधित वातावरण बन जाता है, तो वो धीरे धीरे कम होती रहती है, आपने देखा होगा कि एक टाइम में वो गायब ही हो जाती है पूरी। तो वो फॉर्म कैसी कैसी थी उसकी, वो सॉलिड के अंदर थी और सीधा गैसियस फॉर्म के अंदर
वो चेंज होगी, वहां पे कोई लिक्विड का उसका मतलब नहीं था। प्रिंटर्स का नाम लिख रखा है, थोड़ा ये आपको लगेगा भी प्रिंटर्स का क्या मतलब है। प्रिंटर्स का मतलब है जब प्रिंटिंग बहुत हाई रेजोल्यूशन की हम इमेज बनाते हैं, उनको जब वहां पे काफी टाइम तक वो लगी रहती है तो तुमने देखा होगा उसके कलर उड़ जाते हैं, वो कभी बहते नहीं कि सॉलिड से वो जो चिपके हुए हैं उस पे या प्रिंटिंग में आए हुए हैं तो वहां से क्या है वो उड़के मेल्ट होके उसको खराब नहीं करते तस्वीर को, बल्कि उसके ऊपर से उड़ जाते हैं, धीरे धीरे कलर फेड हो जाते हैं, तो वो सब्लिमेशन का उदाहरण है। तो ये चीज आज हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ हीट में क्या क्या था। लेटेंट हीट थी, लेटेंट हीट के अंदर अगर हीट चली जाती है तो क्या होगा, वहां पे अवस्था परिवर्तन हो जाती है। लेटेंट हीट दो प्रकार की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन के अंदर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड वेपर्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। सेंसिबल हीट के अंदर किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन नहीं होती, सर उसमें अगर हीट जाती है तो वहां पे टेम्परेचर रेज होता है, उसकी कोई भी स्टेट चेंज नहीं होती। तीसरी चीज है सब्लिमेशन, इसके अंदर जो सॉलिड्स होते हैं पदार्थ वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं गैस फॉर्म में, यहां पे जो बीच की लिक्विड में बनने की अवस्था थी वो नहीं होती। उसके उदाहरण है जैसे हमारी कपूर की गोलियां हैं, माउथ वॉल कहते हैं उसको, माउथ वॉल्स ड्राई आइस है, एयर फ्रेशनर है, प्रिंटर्स है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, ये अगर इसमें कोई कमी हो तो आप क्वेश्चन करके उसमें पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।